हम लोग के ना पास में चाइनीज स्मार्टफोन्स हमारे नस नस में घुस चुका है। कोई भी मतलब फ़ोन लेने जाओ तो हम लोग चाइनीज मैन्युफैक्चर का फ़ोन उठाते हैं, लेकिन अभी हमारे कंट्री पे 13 मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इन एक्टिव में से ये है जो 7 ब्रांड जो चाइनीज़ है, और इन 13 ब्रांड्स में से ये 2 ब्रांड है जो इंडिया पे अपने फ़ोन मैन्युफैक्चर करते ही नहीं, और ये एक ब्रांड है जो टोटली अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाया और टोटली मैन्युफैक्चर इंडिया में आता है। ये है मेड इन इंडिया चाइनीज़ ब्रांड्स और ये है मेड इन इंडिया नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स। हम लोग के इंडिया में जो अल्टरनेटिव चाइनीज़ फ़ोन का ब्रांड है वो है सैमसंग। सैमसंग ही एक मैनुफैक्चर जो सबसे ज़्यादा मार्केट इंडिया पे लेके रखा है या पूरे वर्ल्ड पे लेके गया है, क्योंकि लिए सैमसंग पे आपको एक्सिनोस का ही प्रोसेसर मिलता है इन इंडिया, और हम लोग को आदत है कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चल रहा है और गेमिंग अच्छा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिले, इसलिए एक प्लस पॉइंट है चाइनीज़ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर के पास में कि उन लोग स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ करते हैं ज़्यादा। और जो सेकंड प्लस पॉइंट है वो है चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर का, वो है उनका प्राइस पॉइंट जो बहुत अच्छे प्राइस में आपको स्मार्टफोन देते हैं, और यही तो रीज़न है सबसे ज़्यादा जिसके वजह से स्मार्टफोन चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर इंडिया पे बसे हैं। और इसका एक ही हल है, मतलब उपाय है, या इसका एक ही, यार इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई को, अगर ये सब सुनकर अगर आप कोई माइक्रोमैक्स का फ़ोन लेने जा रहे हो तो मैं ये बता दूं, माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है लेकिन उनका सारा फ़ोन चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, इसलिए आप ये फ़ोन नहीं खरीदो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लिए इसके अपडेट्स के ना ठीक है, ना कुछ के ठीक है, ना पार्ट पुर्जे के ठीक है, सो आप मत ही खरीदो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हम लोग के इंडिया में अब खुद के स्मार्टफोन ब्रांड चाहिए, क्योंकि लिए हम लोग अच्छा स्पेक्स चाहिए और अच्छे प्राइसिंग पे फ़ोन चाहिए और इंडियन मैन्युफैक्चरर का फ़ोन हो जो इंडिया पे ही बने, सो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडियन ब्रांड का इंडियन फ़ोन हो और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप इंडियन ब्रांड्स का फ़ोन चूज़ कर रहे हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कैच यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, और आई होप आपको पूरा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो नीचे पूछ के बताना, फिर एक वीडियो बनाएंगे। सो लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, बाय।